नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टूरिस्ट वीजा के इस चैनल पे। सो आपको पता ही होगा कि टूरिस्ट वीजा को लेकर इस चैनल पे अलग अलग वीडियो मेरी आती रहती है। आप वीडियोस और भी देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अलग अलग अपडेट के लिए इस चैनल को। सो आज हम बात करते हैं टूरिस्ट वीजा दुबई और सिंगापुर। अगर दोनों में अगर बात करें तो आप सिंगापुर की प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो वहां पे हालांकि ट्रैवल हिस्ट्री के लिए सिंगापुर जाना हो या दुबई जाना हो इक्वलेंट ही काउंट होता है। सो लेकिन अभी के लिए अपडेट क्या है कि सिंगापुर में आपको ट्रैवल थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि जो क्वारंटीन की कंडीशन है वहां पे 2000 सिंगापुर डॉलर आपको खर्चने पड़ सकते हैं। 2000 डॉलर का मतलब है इंडियन करेंसी के हिसाब से 1 लाख तक का एक्सपेंस। सो वीजा एप्लीकेशन चल रही है, अप्लाई कर सकते हैं। इवन अब थाईलैंड की बात करते हैं तो वहां का भी प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि मैंडेटरी क्वारंटीन वाली जो कंडीशन है उसकी वजह से जो है अभी टूरिस्ट जो है वो सिंगापुर थाईलैंड को छोड़ के दुबई को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दुबई में कोई ज्यादा कंडीशन नहीं है। यहां से कोविड का टेस्ट होना है, वहां जाके आपका एक बार कोविड का दोबारा टेस्ट होना है और आपने एक दिन होटल में स्टे करना है क्वारंटीन के लिए, बाकी 3-4 दिन जितने भी आपके पास टाइम होगा आप नॉर्मली स्पेंड कर सकते हैं। दुबई क्यों एक्टिव है टूरिज्म को लेके, अगर आपको ध्यान में हो तो वर्ल्ड एक्सपो जो होनी थी दुबई में, वर्ल्ड एक्सपो होनी थी 2020 में, अब वो है समर के बाद स्टार्ट हो रही है इसी साल में 2021 में। तो उनको टूरिस्ट को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए चीजें स्टार्ट करनी पड़ेगी और दुबई टूरिस्ट वीजा देना बंद नहीं करेगा, ना ही वो ट्रैवल रोकने वाला, क्योंकि जो वर्ल्ड एक्सपो है वो विजिटर बहुत आने अलग अलग कंट्री से तभी आएंगे जब उनका एक सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम वर्क करता रहेगा, जो कि ऑलरेडी कर रहा है। सो यही कारण है कि दुबई राइट नाउ आपके आसपास में भी देखेंगे तो दुबई में जा सकते हो। और जो क्वारंटीन की कॉस्ट का आपको सिंगापुर में एक्सपेंस पड़ना पड़ता है, दो बंदे इसी कॉस्ट में दुबई 3 से 4 दिन का टूर पैकेज लेके घूम के भी आ सकते हैं। सो मेरी एडवाइस है जो ट्रैवल हिस्ट्री वाले हैं, जो भी एप्लीकेंट है जो सोच रहे हैं कि कहीं घूमने जाएं, छुट्टियां आ रही है क्योंकि समर वेकेशन आ रही है तो कहीं जाना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस है आपसे कि आप सिंगापुर थाईलैंड को अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन आप दुबई, क्योंकि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सेम काउंट होती है सिंगापुर या बाकी कंट्रीज के रिलेटिव अगर आप कंपैरिजन में पढ़ते हैं तो। सो राइट नाउ अगर यूएई की बात करते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिसमें दुबई, आबू धाबी आ जाता है, शारजा होता है और टोटल 7 स्टेट होती है, इसमें दुबई ही मेन टूरिस्ट जाता है, तो आप दुबई के लिए जा सकते हैं। वीजा भी लग रहे हैं, ट्रैवल भी ओपन है, फ्लाइट्स भी चल रही है और इसकी कोई ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है। सो फैमिली प्लेस है और ये ट्राई टाइम समर से पहले पहले वाला जो टाइम होता है, ये मार्च या अप्रैल की अगर बात करते हैं, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए, क्योंकि जो ठंड है वहां भी यहाँ की तरह है कि धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू होगी और मई जून में जाके थोड़ा सा डिफिकल्टी आपको आ सकती है क्योंकि वहां भी हमारी तरह ही वेदर रहता है। सो अगर दुबई जाना है तो बेस्ट टाइम है, आप अपना मार्च का या अप्रैल का पैकेज लेके जा सकते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री भी बन जाएगी, उसके आने के 2-4 महीने बाद आप बाकी कंट्रीज, कैनेडा हो गया या यूएस हो गया या और कंट्री जैसे जैसे ओपन हो रही है, शेंगेन्स की कंट्री होगी, आप अपनी एप्लीकेशन बाद में इन कंट्रीज के लिए भी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री के बाद थोड़ा सा पाउज भी बीच में आ जाएगा, ट्रैवल हिस्ट्री भी होगी, फैमिली के साथ घूम भी लिया और उसके बाद अगली कंट्री के लिए आपका प्रोफाइल भी, क्योंकि 4-6 महीने में जो है वो मेंटेन हो जाएगा, वेल ऑर्गेनाइज आप करके अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हो बाकी कंट्रीज के लिए भी। सो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी ट्रैवल हिस्ट्री को लेकर कि सिंगापुर को चूज किया जाए या दुबई, क्या अपडेट चल रही है, क्या वीजा सिनेरियो है। सो यहाँ पे दुबई को आप प्रेफर कर सकते हैं। सो आने वाले टाइम में और भी वीडियो इसी चैनल पे आती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए ज्यादा चाहूंगा, नमस्कार।